ये जो सॉफ्टबॉल एसोसिएशन की तरफ से जो आज सॉफ्टबॉल का कंपटीशन यहाँ पे झारसुगुड़ा पे हो रहा है, उसके लिए आप क्या चाहते हैं कि झारसुगुड़ा यानी इस टाइप का जो गेम है यहाँ इंडिया में कैसे प्रमोट हो, उसके बारे में बताइए। देखिए, सॉफ्टबॉल को हम एज ए सब्स्टिट्यूट गेम ऑफ क्रिकेट इंट्रोड्यूस किया, वैसे तो 30 साल से यहाँ पर और इसकी नेशनल चैंपियनशिप, जोनल चैंपियनशिप। यूजुअली ये होता है जितने भी इवेंट्स हैं ये सारे और हम लोग चाहते हैं कि ये रूरल लेवल पर, हर बार नई सिटी को हम चूज करते हैं फर्स्ट मैच ओडिशा वर्सेस बिहार, तो दिस इज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ओडिशा इज ऑन द टॉस, अब हमने डिसाइडेड टू फील्ड। वो ये है कि जो सब वैसे तो सब जूनियर अंडर 14 होता है, बट नाउ वी आर गोइंग बिलो दैट, मींस अंडर 10, अंडर 8, लाइक वन गेम। तो उसमें भी अब हमने शुरुआत कर दी है और इसकी जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट्स होती हैं, अब हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, उनको एक्सपोजर मिले और वो उस लेवल पे अपने आप को मेंटली सेट कर लें। तो ये प्रिपरेशंस हमारी अब चालू हो गई है। नेशनल लेवल पे हम लोग कैंप्स लेते हैं, जूनियर लेवल पे लेते हैं, सीनियर लेवल पर लेते हैं। अभी अगले महीने में नवम्बर में एक इंडियन टीम का, यूथ टीम का एक कैंप हम भुवनेश्वर में अलॉट किए हैं। तो भुवनेश्वर में करने का मतलब यह है कि बच्चों को भी फैसिलिटीज़ अच्छी मिले और इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी मिले। इस गेम का यानी फ्यूचर क्या है इंडिया के? ब्राइट फ्यूचर है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एक डिवोटेड लोगों की टीम है। हाँ जी। और जो लोग बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं कि ये खेल ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो और यहाँ के बच्चों को, हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोजर मिले और हिंदुस्तान को उसके रिटर्न में वहाँ से मेडल्स मिले, ये प्रयास हमारे चल रहे हैं। और इसी का हिस्सा है कि मैं बताऊँ आपको, पिछली बार हमारी जो यूथ टीम थी वो जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला उसको एशियन चैंपियनशिप में, और पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई किया और वहाँ भी बहुत अच्छा। हमारे जो ये प्रयास है नेशनल लेवल पर इसको पॉपुलरिटी मिले और यहाँ के बच्चों को बाहर से जाने के चांसेस मिले, बाहर जाने के बाद में हमारे देश को वहाँ पर जो है मेडल मिले। तो ये एक सारा उसका जो है हमारा प्लानिंग चल रहा है और उसी प्लानिंग। ठीक है, थैंक यू।